हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीप्लेट क्लच के बारे में समझेंगे और इसके लिए हम बजाज चेतक टू स्ट्रोक इंजन का यूज़ करेंगे। उसकी क्लच असेंबली को खोलेंगे, डिसमेंटल करके देखेंगे कि क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट्स कैसे अरेंज की गई होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मल्टीप्लेट क्लच। ये वाली ये हेलिकल गियर है, ये आपका कहाँ जाता है ट्रांसमिशन को, ये ट्रांसमिशन को पावर सप्लाई करेगा। और ये जो शाफ्ट जिस जो इसके बीच में से जाती है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है। अब हम बात करेंगे इसकी असेंबली की, कि असेंबली कैसे होती है। तो इसमें ये जो सबसे बाहर लगा है ना, ये लॉक करेंगे, हो गया। अब इसको पकड़, लॉन्ग नोज से ऊपर उठा, हवा में उठाओ इसको, बस छोड़ दो, ठीक है, निकल गया ना, बस लॉन्ग नोज दी। ठीक है लॉक रिंग निकल गया। यस सर। फर्स्ट प्लेट बैक साइड से बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है ना, देखो बैक साइड से प्लेन है ना, ये एंड है, इसके अंदर की तरफ को देखो लाइनिंग चढ़ी हुई है। ये है आपकी क्लच प्लेट, अंदर की तरफ को लाइनिंग है। यस सर। अब देखो ये फर्स्ट थी ना, ऐसे इसके अंदर वाली निकाल रहा हूँ, जस्ट इससे अंदर वाली, इसको ऐसे, इससे जस्ट अंदर वाली, ठीक है, जो इसके अंदर की तरफ को थी, ये आपकी प्रेशर प्लेट है। इस पर कोई लाइनिंग नहीं है, देखो लोहे की बनी हुई है, ठीक है, ये बनी है ना लोहे की। यस सर। ओके, ये वाली जो है प्रेशर प्लेट है, इसके साथ ये देखो ये अंदर की तरफ को टीथ बने हुए हैं, ये पावर ट्रांसमिशन के लिए है। ये कहाँ लॉक होंगे, इस बड़े गियर में, जो बड़ा गियर है ना नीचे, प्रेशर प्लेट है, इसके अंदर ये लगी है ऐसे। इसके पीछे क्या लगा, क्लच प्लेट, ये देखो ये भी क्लच प्लेट है, दोनों साइड से लाइनिंग चढ़ी हुई है, चढ़ी है ना दोनों साइड से लाइनिंग। ये आपकी सेकंड क्लच प्लेट आ गई। अब इसके अंदर क्या है, प्रेशर प्लेट, फिर से वैसी प्लेन सरफेस, ठीक है, ये आपकी आ गई प्रेशर प्लेट। अब इसके अंदर फिर क्या आया, क्लच प्लेट, डबल साइड क्लच प्लेट है। यस सर। इसके बाद क्या आया, प्रेशर प्लेट, ये लास्ट वन है, ये लॉक है इसके साथ, ठीक है, लास्ट वन है और ये लॉक है, इस साइड को प्रेशर प्लेट, स्मूथ सरफेस, ठीक है, ओके।
अब इस असेंबली को ध्यान से देखने वाली बात ये है कि देखो ये स्टेशनरी है, ये होल्ड है, बाहर वाली प्लेट जिसको मैंने ये बाहर वाले जो ऊपर को निकले हुए हैं ये होल्ड की हुई है ना, वो स्टेशनरी है। देखो ये घूम रही है, समझ रहे हो बात? इसके घूमने का मतलब क्या है? जब जब ये प्रेशर प्लेट, जब जब ये प्रेशर प्लेट इसके साथ टर्न करेगी, जैसे ही आप गियर को मैश करोगे सारी असेंबली चिपक जाएगी, तो ये इस गियर को मूव करवाएगा। जो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट है वो इसके बीच में रहेगी, ऐसे है ये असेंबली सारी, समझ गए बात? ये सारी की सारी असेंबली कहलाती है मल्टी प्लेट क्लच। वर्किंग कैसे होती है? ये इसके ऊपर हब चढ़ी हुई है, देखो स्प्रिंग को हटा दो, ठीक है, ये इसकी हब है, ये इसके अंदर लॉक हो जाता है सारा सिस्टम, सारा सिस्टम लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद क्या होता है, जब पावर इंजन से आती है, आई हमारा क्लच डिसंगेज है, तो मतलब हमारी क्लच प्लेटें एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हैं, प्रेशर प्लेट के साथ चिपकी नहीं है। जब तक ये एक दूसरे के टच में नहीं आएंगी पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं होगी, समझ रहे हो बात? क्लच डिसंगेज है, जैसे ही क्लच एंगेज होगा क्या होगा, ये सारी प्रेशर प्लेटें एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, बीच में क्लच प्लेटें, क्लच प्लेटें भी बीच में चिपक जाएंगी, तो होगा क्या अल्टीमेटली, ये सारी की सारी असेंबली इस बड़े गियर को घुमाना शुरू करेंगी जो क्लच प्रेशर प्लेट के साथ घूमेंगे। इसके साथ क्या जुड़ा है? छोटा गियर। ये छोटा गियर कहाँ जाता है? ट्रांसमिशन सिस्टम को, गियर बॉक्स को। आपकी पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।